हेलो दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम बताते हैं आप लोगों को ओ लेवल के प्रैक्टिकल के बारे में। क्या बताते हैं? ओ लेवल के प्रैक्टिकल के बारे में। इसके पहले जो क्लास चली थी, अगली क्लास, उसमें भी हम बताए थे ओ लेवल के प्रैक्टिकल के बारे में, और इसमें भी हम बताएंगे ओ लेवल के प्रैक्टिकल के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछता है ओ लेवल में। ठीक, देखिए ये आपका क्वेश्चन रहा। अगली बार अभी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, ये हमारा नाइलेट द्वारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नाइलेट द्वारा क्वेश्चन है ये, जो कि अगली बार हमारा क्या हुआ था, पूछा गया था। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या करना है। इन स्प्रीड शीट, मतलब इसको क्या करना है, स्प्रीड शीट में एक डाटा तैयार करना है। जैसे इसमें दिया एम्प्लॉय नेम, बेसिक पे, डीए, एचआरए, ग्रॉस, इंश्योरेंस, ठीक, पीएफ, नेट सैलरी, ये सब अभी हम करके दिखाने वाले हैं आप लोगों को कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन वाइज देखिए क्या दिया। पहला कैलकुलेट डीए 80%, बेसिक पे एंड एचआरए 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट नेट सैलरी, नेट सैलरी ठीक 10%, ठीक है, और पीएफ कितना बोला 5%। ठीक ना, अगला क्या क्वेश्चन है, फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक, क्या कहा है, फाइंड आउट करना है क्या, हाईएस्ट और लोएस्ट सैलरी निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड ऑफ द इम्प्लाय। ठीक है, टोटल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक, अप्लाई टू डेसिमल, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, देखिए इधर क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। पहले हम लोग डीए निकालेंगे, एचआरए निकालेंगे, ये सब निकालने के बाद हमको क्या करना है, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट निकालेंगे। टोटल अमाउंट निकालने के बाद क्या निकालेंगे, हाईएस्ट इम्प्लॉय सैलरी, सबसे ज्यादा किसकी सैलरी उसको देंगे, लोवेस्ट सैलरी जिसकी सबसे लो रहेगी सैलरी उसकी देंगे, और टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड, टोटल कितना इंश्योरेंस का कलेक्ट हो रहा है वो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये किस प्रकार से बनाना है, इसमें कैसे क्या करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कैसे ये बनाना है। देखिए यही हमारा है, इसी प्रकार से हमको क्या करना है, ड्रा करना है, बनाना है, कैलकुलेट करना है फिर। ठीक है, सब कुछ इसमें बारी बारी से एकदम धीमी गति से आपको ले चलेंगे, सब एकदम बताएंगे कैसे क्या होता है, डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, ग्रास पे क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, पीएफ क्या होता है, नेट सैलरी क्या होती है, टोटल कैसे निकलेगा, हाईएस्ट इम्प्लाई कौन है उनका नाम बताना है, लोवेस्ट इम्प्लाई कौन है उनका नाम बताना है, फिर टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड जितना टोटल इंश्योरेंस हुआ है उसको लिखना है। ठीक है, सब कुछ हम बताते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले उपयोग क्या किया जाता है, कैसे क्या। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया है इन स्प्रेड शीट, हमको एक किस पे बनाना है, स्प्रेड शीट पे बनाना है। या तो आप कल्क ले लीजिए या क्या लीजिए, या कल्क लीजिए या एक्सेल लीजिए, दोनों में से एक चीज कोई ले सकते हैं। चलिए तो हम लेते हैं क्या, एक्सेल, एक्सेल, चलिए एक्सेल ले लेते हैं। ठीक है, एक्सेल ले लिए। एक्सेल लेने का तरीका क्या है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट मेनू को क्लिक करेंगे, मतलब विंडो की को, ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, एक्सेल, ई एक्स, जब दो ही अक्षर डालेंगे ई एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेल आ जाएगा। देखिए ई एक्स डालें तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे और क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इतना तो सब लोग कर लेंगे, आगे देखते हैं इसके बाद क्या करना है, ये देखिए। ठीक, जो हमारी डाटा दिया गया है, ये देखिए जो डाटा है, इसी प्रकार उसमें डाटा को क्या करना है, बनाना है। चलिए एकदम उसी प्रकार हम क्या करते हैं, डाटा को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, डाटा को क्रिएट किया जाए, जैसे इसमें डाटा दिया है वही डाटा इसमें भी क्रिएट करते हैं। चलिए पहले थोड़ा छोटा कर लें, ठीक, इसको भी छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और इसको इधर रखते हैं। इसी में से देख देख के हम डाटा को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक, चलिए देखिए इधर इनको थोड़ा सा और अप कर देते हैं। ठीक, अब क्या पहले दिया है, पहले में दिया है इम्प्लाई नेम, क्या दिया है, इम्प्लाई नेम लिखिए, ई एम ई एम
इम्प्लाई नेम, ठीक। पहले में हमको क्या लिखना है, इम्प्लाई का नाम लिखना है। दूसरा क्या है, बेसिक पे है, बी बेसिक पे, ठीक। तीसरा क्या कह रहा है, डीए, क्या डी ए, ठीक है। तीसरे में क्या होता है, डीए, डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता, डीए का मतलब महंगाई भत्ता होता है, ठीक। उसके बाद यह चार ए क्या है, यच आर ए, यह चार ए होता है, ठीक है। यह चार ए का मतलब क्या होता है, ठीक, हाउस रेंट अलाउ, ठीक है। क्या होता है एचआरए का फुल फॉर्म, हाउस रेंट अलाउ, ठीक है, रहने का रूम, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, ग्रॉस पे क्या है, ग्रॉस पे जी आर ओ डबल एस ग्रॉस पी वाई पे, ठीक। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, उसके बाद पीएफ, इसके बाद पीएफ के बाद क्या है, नेट सैलरी है, क्या है नेट सैलरी, नेट सैलरी, ठीक। क्या दिया है, नेट सैलरी, इतना हो जाएगा। थोड़ा ये देखिए एम्प्लॉय नेम छुप गया है, इसको सही करिए, सही हो गया। अब थोड़ा इनको सेलेक्ट कर दीजिए, शिफ्ट द्वारा क्या करिए, सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दीजिए, ठीक, कलर लगा दीजिए, अच्छा कोई हाईलाइट कलर कर दीजिए, ठीक है। सब लोग इतना कर लेंगे, ठीक, इतना कर लेंगे सब लोग। देखिए इसको साइज को थोड़ा नजदीक सब कर लेते हैं, देखिए, ठीक, इतना सब लोग कर लेंगे। इसको करने के बाद अब देखिए क्या इसमें दिया है, क्या क्या नियम दिया है कि अनिल जो है, अनिल कुमार है, ठीक। चलिए लिखते हैं अनिल कुमार को, अनिल कुमार, ठीक। दूसरा क्या दिया है, सुनीता देवी, सुनीता देवी, ठीक। तीसरा दिया है रोजी शर्मा, क्या रोजी शर्मा, रोजी शर्मा, ठीक। फरीदा खान, फरीदा खान, ठीक। गुनीता देवी, गुनीता देवी, ठीक है। अब बेसिक पे पूछ रहा है, जितना इनका बेसिक पे है हम वो क्या करेंगे, बेसिक पे डाल देंगे इनमें से देख के, एकदम इसी के तरीके से आपका प्रैक्टिकल में अगर आ जाएगा, जो डाटा रहेगा उसी डाटा के हिसाब से बनाइएगा, अपने से नहीं बनाना है। जो डाटा दिया रहेगा उसी के डाटा के देख के बनाना रहेगा, वही डाटा को देख के बना दीजिएगा, ठीक। ठीक, अब नीचे क्या दिया है, टोटल अमाउंट क्या दिया है, टोटल, टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट है, ठीक। और ठीक, हाईएस्ट है बोल रहा, हाईएस्ट, हाईएस्ट इम्प्लाई, इम्प्लाई
इन समझ लीजिएगा इम्प्लाई ज्यादा बड़ा हो जाएगा, सैलरी ठीक, सैलरी हो जाएगा। उसके बाद लोवेस्ट लोवेस्ट इम्प्लाई सैलरी, सैलरी ठीक है। अब आखिरी में सबसे क्या बोला है, टोटल इंश्योरेंस, क्या टोटल इंश्योरेंस मतलब पूरा जितना इनका इंश्योरेंस का है टोटल बताना है कितना इंश्योरेंस लग रहा है सब पे, इंश्योरेंस कलेक्टेड सीओ लिख दीजिए ठीक। इतना चीज आपको फॉर्मेट देख देख के क्या करना है, बनाना है ठीक है, सब बनाना है। इसको थोड़ा सा क्या करिए, सेलेक्ट करिए पहले शिफ्ट द्वारा, और इसको भी बोल्ड कर दीजिए ठीक, कलर लगा दीजिए रेड ठीक, हो जाएगा। इतना सब लोग फॉर्मेट डाटा बना लेंगे, एक एक डाटा क्रिएट करिएगा, लेकिन क्रिएट करिएगा जो पेपर में रहेगा दिया रहेगा उसी से देख देख के क्रिएट करिएगा, अपने से नहीं करना है ठीक है। चलिए अब निकालना क्या है, डीए ठीक है, डीए क्या बोला इसमें, डीए निकालना है क्या, 80% ठीक, कितना बोला है 80% डीए निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीए निकालेंगे, देखिए जिस तरह इसमें निकला एकदम इसी तरीके का क्या करना है हमको इसमें भी निकालना है, जो हम एग्जाम्पल तौर पे अभी दिखा रहे थे, देखिए एकदम इसी तरीके का इसमें भी निकला डीए ठीक है। देखिए एग्जाम्पल पे देखिए डीए है, डीए कितना निकालना है 80% निकालना है ना, चलिए इधर चलते हैं। डीए कितना बोला है क्वेश्चन में, 80% क्या बोला है 80% ठीक, डीए कितना हो गया 80% ठीक। ये चारे कितना का है उसमें क्वेश्चन में, देखिए ये चारे कितना बोला है 10% ठीक है, तो यहाँ क्या करिए, ये चारे कितना करिए 10% लगाइए ठीक है, ये चारे कितना करना है हमको 10% ठीक, देखते रहिएगा ध्यान से, ये चारे 10% ठीक, देखिए ये चारे 10 हो गया। इंश्योरेंस 10% देना है, इंश्योरेंस भी कितना देना था 10% देना है ना, इंश्योरेंस भी 10% देना है ठीक, कितना देना है 10% देना है। पीएफ कितना देना था, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पीएफ 5% ठीक है, प्लेस वैल्यू कितना देना है 5% देना है ठीक, कितना 5% ठीक है, हो गया सब में। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे सबका ठीक, निकाल लेंगे, चलिए देखते हैं, नहीं निकाल पाइएगा तो दोबारा कमेंट करिएगा, दोबारा बताएंगे निकालने के लिए। चलिए देखिए उसके बाद अब क्या करना है, अब निकालना क्या है 10% निकालना है, तो क्या करेंगे देखिए कैसे निकला इसमें है ठीक, क्या करना है हमको सेलेक्ट करना है किसको, बेसिक पे को इनटू 80% ठीक है, इनटू 80% तो क्या निकल जाएगा हमारा महंगाई भत्ता 80% के हिसाब से अनिल का निकल जाएगा ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से हम इसमें लगाते हैं फार्मूला, देखिए इक्वल टू इनटू ठीक और क्या 80% ठीक, इंटर कर दीजिए, तो कितना आया 6,800 रुपया इनका क्या लग रहेगा महंगाई भत्ता है ठीक है। तो देखिए इसमें भी डीए कितना आ रहा है 6,800 ठीक। उसी प्रकार दूसरा निकालना है, तो एकदम उसी तरीके का दूसरा भी हम क्या करेंगे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये जानते हैं ठीक है, दो चार देख लेते हैं। इसको इंटू सेलेक्ट इंटू ठीक इंटू क्या 80%, क्या 80% शिफ्ट द्वारा हम परसेंट लगाएंगे और इंटर कर देंगे ठीक है, क्या हुआ निकल जाएगा ठीक।
इसमें देखिए दूसरा है, इसमें दूसरा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब क्या, अगला भी इसी प्रकार से निकालेंगे, इसको इक्वल टू लिखेंगे और क्या सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इनटू लगाएंगे, इनटू करने के बाद 80% इंटर, ठीक। ऐसे ऐसे क्या करेंगे, सबको हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम सबको क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी निकालिए, इक्वल टू शिफ्ट द्वारा इनटू, शिफ्ट से इनटू का लगेगा, ठीक। या तो अगर शिफ्ट से नहीं लगेगा तो डायरेक्ट लगता है इनटू का। इनटू का मतलब स्टार वाला रहेगा कीबोर्ड में, इनटू नहीं दिया रहता है, ठीक है। इनटू 80%, ठीक। एक और बचा, इसको भी निकाल लीजिए, इक्वल टू क्या, इक्वल टू बेसिक पे इनटू, ठीक, 80%। क्या हुआ, हमारा निकल जाएगा इसी प्रकार, ठीक है। डीए निकल जाएगा सबका। चलिए अब हमको देखना है एच आर ए, क्या देखना है, एच आर ए। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एच आर ए भी निकालेंगे। देखिए उसी प्रकार से निकला, इनटू ही लगा के एच आर ए भी निकालेंगे हम, ठीक। चलिए एच आर ए निकालते हैं कैसे, इसको इनटू करते हैं और क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट इनटू, इनटू इनटू के बाद क्या करेंगे बताइए, इनटू के बाद 10%, 10%, ठीक है, 10% इंटर। तो कितना लग रहा है, 850 रुपया क्या लग रहा है, रहने का सुविधा 850 रुपया लगेगा इनका, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखते हैं, इक्वल टू सेलेक्ट बेसिक पे, ठीक। उसके बाद सेलेक्ट बेसिक पे इनटू, इनटू ठीक 10%, 10% इंटर, ठीक है, हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार हमको क्या करना है, सबका क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा, ठीक। निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा ये बताइए, बोले कमेंट करिए कि निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। कमेंट करके बताइए हमको निकलेगा कि नहीं, ठीक। चलिए नहीं भी निकलेगा तब भी हम ये दो तीन और है बता देते हैं, सबका एक एक करके बताएंगे, नहीं भूल जाएंगे आप लोग खुद, हमको पूरा विश्वास है। चलिए इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू बेसिक पे इनटू, ठीक, इनटू 10%, 10% और उसके बाद परसेंटेज क्या लगाना है, उसके बाद परसेंटेज इंटर, ठीक। चलिए इसके बाद इक्वल टू दोबारा वही चीज करना है, बेसिक पे इनटू कितना परसेंट, 10%, क्या 10% हो गया। चलिए 10% लगा दीजिए, इंटर कर दीजिए, वही चीज इसमें भी इक्वल टू बेसिक पे, ठीक, बेसिक पे इनटू 10% इंटर, हो जाएगा सबका। एचआरए भी हो जाएगा कि नहीं होगा ये बताइए, एचआरए सबका हो जाएगा ना। चलिए अब निकालना क्या है, ग्रॉस पे क्या निकालना है, क्या निकालना है, सबका हो जाएगा कि नहीं ये बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी कि सबका होगा कि नहीं होगा, बताइए हो जाएगा ना। चलिए अब हमको क्या निकालना है, ग्रॉस पे निकालना है। चलिए देखिए ग्रॉस पे कैसे निकलता है, एग्जाम्पल वाले में देखते हैं, किसको किसको सेलेक्ट करना है हमको, सम करना है सबको, सम करके हम देखेंगे कि हमारा कितना लग जाएगा टोटल, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सम करते हैं, चलिए इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू, ठीक, सम इक्वल टू सम, ये फार्मूला हमने एक बार और आप लोगों को बता दिए, कामा डीए कामा एच आर ए इंटर। तो क्या करेगा, तीनों को हमारा जोड़ के क्या करेगा, बता देगा, तीनों को क्या करेगा, जोड़ देगा कि इतना हमारा टोटल ग्रॉस पे लगेगा, ठीक। इसके बाद अगला इक्वल टू सम, इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, इनको भी वही तरीका करिए, कामा लगाते जाइए, डीए कामा
एच आर ए इंटर, ठीक, दोबारा वही इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट बेसिक पे कामा डी ए कामा एच आर ए इंटर, वही तरीका दूसरा, ठीक, इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट बेसिक पे कामा डी ए कामा एच आर ए इंटर, ठीक। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे इक्वल टू, इक्वल टू क्या करेंगे, सम ओपन ब्रैकेट इनको सिलेक्ट कामा, इसको सिलेक्ट करिए कामा, इसको सिलेक्ट करिए और इंटर कर दीजिए, ठीक, हो जाएगा। इतना बोलिए, कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए होगा कि नहीं होगा, निकल जाएगा क्रॉस पे। चलिए, इसके बाद हमको क्या निकालने को बोल रहा है, इंश्योरेंस। क्या इंश्योरेंस, कैसे इंश्योरेंस निकलता है ये भी देखते हैं। इंश्योरेंस निकालने के लिए हमको ग्रास पे और किसको इनटू 10% बटा 100, ठीक है, कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं हम हमारा कैसे निकलता है, ठीक। इक्वल टू किसको ग्रास पे, ठीक, और इनटू क्या, इनटू 10%, कितना परसेंट निकालना है हमको, 10% बटे क्या, बटे, ठीक, बटे में कितना 100 कर देना है, कितना कर देना है 100, इंटर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इनका इंश्योरेंस का कितना लगेगा, 1615 रुपया, ठीक है, 1615 मतलब 1615 रुपया इनका लगेगा। उसी प्रकार दूसरा भी निकालेंगे इक्वल टू, और क्या करेंगे ग्रॉस पे इनटू क्या, इनटू, इनटू करने के बाद कितना परसेंट लग रहा है, 10%, वहाँ पे अगर ज़्यादा रहेगा 15 रहेगा 20 रहेगा, जितना परसेंट रहेगा उतना परसेंट हम यहाँ पे लिखेंगे और बटे का लगाएंगे और क्या लगाएंगे 100, क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे और क्या कर देंगे इंटर, ठीक है। इसी प्रकार हमारा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ठीक, ऐसे दूसरा तीसरा भी निकलेगा इक्वल टू, ठीक। इक्वल टू करने के बाद क्या करेंगे हम, सेलेक्ट करेंगे ग्रॉस पे और क्या बोलिए, उसके बाद इनटू 10% बटे 100 इंटर कर देंगे, ये भी निकल जाएगा। इसके बाद अगला भी इसी प्रकार ऐसे ऐसे क्या करना है, ऐसे ऐसे जितना रहेगा करते जाइएगा, देख लीजिए ये भी कैसे निकलेगा, इनटू 10% बटे 100, ठीक है, ऐसे इसमें भी निकलेगा इक्वल टू ग्रॉस पे 10% ग्रॉस पे इनटू 10% बटे 100, ठीक, निकल जाएगा सबका, ठीक है। अब क्या करना हमको, दो और बचा, क्या क्या बचा है हमारा, बचा है एक क्या पीएफ बचा है। चलिए एग्जांपल वाले देखते हैं पीएफ कैसे निकलता है, तो पीएफ कैसे निकलेगा हमारा बेसिक पे और कितना परसेंट, 5%, ठीक। चलिए निकालिए, इक्वल टू बेसिक पे इनटू, इक्वल टू बेसिक पे इनटू कितना परसेंट है, 5% है, 5% और क्या परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज इंटर कर दीजिए। पीएफ कितना आ रहा है, 425 रुपये इनका आएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरा भी इसी प्रकार क्या करना है हमको निकालना है, कौन सा, दूसरा वाला भी, चलिए दूसरा वाला भी निकालते हैं। इक्वल टू बेसिक पे इनटू, ठीक, इनटू 5% इंटर, तीसरा भी ऐसे निकालिए, इक्वल टू बेसिक पे, ठीक, इनटू, ठीक, इनटू 5%, ऐसे तीसरा भी चौथा भी निकाल लीजिए, इक्वल टू करके देखिए, इक्वल टू एक एक इसीलिए बता रहे हैं कि पहला अगर नहीं समझ में आएगा तो दूसरा तो आ जाएगा, ठीक है। बेसिक पे इनटू, इनटू, ठीक, इनटू करने के बाद क्या करेंगे हम, कोई बताएगा, इनटू बताइए जल्दी, कमेंट करिए, इनटू करने के बाद 5% क्या, 5% इंटर। उसी प्रकार इसमें करिए इक्वल टू बेसिक पे
इनटू क्या 5%, 5% इंटर, ठीक निकल जाएगा इसी प्रकार सबका। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, अब हमको क्या निकालना है, नेट सैलरी निकालना है। क्या निकालना है? नेट सैलरी। नेट सैलरी मतलब पूरा इनका कितना सैलरी खर्चा कितना लग जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको एल टू क्या करेंगे, इसको एल टू और सबको क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे सबको, देखिए इसको एल टू प्लस करते रहिए सबको, सबको क्या करिए, प्लस कर दीजिए देखिए। ठीक, सबको हमको जो भी है ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या चीज हम प्लस के ये देखते हैं, थोड़ा इधर आते हैं। ठीक है, बेसिक पे पहले करेंगे, डीए प्लस करेंगे या 4A, ग्रॉस पे, इंश्योरेंस, पीएफ। और ठीक है, इतना चीज प्लस करने के बाद क्या करेंगे, इंटर कर देंगे, तो हमारा नेट सैलरी जितनी रहेगी उतना क्या करेगा, ये शो कर देगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, इक्वल टू सेलेक्ट प्लस, इनको सेलेक्ट प्लस या 4A प्लस, ग्रॉस पे प्लस, इंश्योरेंस प्लस, पीएफ इंटर। ठीक, इस प्रकार दूसरा है, इक्वल टू बेसिक पे प्लस, डीए प्लस या 4A प्लस, ग्रॉस पे प्लस, इंश्योरेंस प्लस, पीएफ इंटर। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्या करना है हमको, एकदम इसी तरीके से हमको अगला भी करना है। देखिए कैसे करना है, अगला भी करते हैं दूसरा वाला। ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, प्लस बेसिक पे डीए या 4A, ग्रॉस पे ठीक, इंश्योरेंस, पीएफ इंटर, ऐसे ही अगला करते हैं। ठीक है, इक्वल टू बेसिक पे डीए या 4A, ग्रॉस पे, इंश्योरेंस और पीएफ इंटर करते हैं। इसी प्रकार हमारा क्या होगा, पूरा हो जाएगा कि नहीं पूरा होगा। ठीक है, निकाल लेंगे सब लोग इतना। ठीक है, इसको निकालने के बाद अब हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक, तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इतना निकाल लेंगे हम, इतना इतने भी दिया है उसमें भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब दिया है इसमें कि टोटल अमाउंट क्या होगा, क्या पूछा है, टोटल अमाउंट क्या पूछा है, टोटल अमाउंट, हाईएस्ट इम्प्लाई सैलरी, लोएस्ट इम्प्लाई सैलरी और टोटल इंश्योरेंस। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में कैसे ये निकला है। ठीक, चलिए टोटल निकालना है ना हमको, चलिए टोटल निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, टोटल निकालते हैं। ठीक, देखिए टोटल कैसे निकलता है ये देखते हैं हम। ठीक, देखिए टोटल कैसे निकला है, किसको सेलेक्ट किया है, इसको इक्वल टू सम, और पूरा नेट सैलरी को क्या करना है हमको, सेलेक्ट कर देना। क्या करना है, नेट सैलरी को सेलेक्ट कर देना। ठीक, चलिए निकालते हैं हम, क्लिक करते हैं इसको इक्वल टू सम, इसको इक्वल टू सम, ओपन ब्रैकेट, और क्या करेंगे, पूरा नेट सैलरी को हम सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट हमारा कितना है, इतना आ जाएगा। ठीक, जितना रहेगा टोटल अमाउंट आ जाएगा। कैसे निकाले हैं, इक्वल टू सम, ठीक, और पूरा सेलेक्ट कर दिए हैं रेंज को। रेंज को सेलेक्ट कैसे किए करते हैं ये भी जान लेते हैं एक बार। इक्वल टू सम तो सब लोग लिख लेंगे, ओपन ब्रैकेट लगा लेंगे और लेफ्ट वाली की को प्रेस करेंगे, मतलब लेफ्ट वाली की को दबाए रहेंगे और क्या करेंगे, स्क्रेच कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। ठीक, उसके बाद पूछा हाईएस्ट इम्प्लॉय सैलरी, सबसे ज्यादा किसकी इम्प्लॉय सैलरी है इसको देखना है। तो सबसे ज्यादा किसकी है इसमें से, देखिए सबसे ज्यादा देखिए किसकी हो रही है, गुनीता की। किसकी है, गुनीता, या तो गुनीता लिखे या तो क्या कर दीजिए, लिख दीजिए 96960 सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसकी है, सबसे कम देखना है तो सबसे कम देख लीजिए, सबसे कम किसकी है, सबसे कम अनिल की है, सबसे कम किसकी है, अनिल की है, तो लिख दीजिए
ठीक। अब टोटल टोटल क्या निकालना, टोटल इंश्योरेंस सबका निकाल देना है, तो क्या करेंगे इसी प्रकार करेंगे, इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, और किसको सेलेक्ट करेंगे, टोटल इंश्योरेंस को सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। ठीक, देखिए क्या किए हैं, इक्वल टू सम और टोटल इंश्योरेंस को क्या किए हैं, हम सेलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमको इंटर कर देना है। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इंटर करना है। ठीक, हो जाएगा सबका। इसी प्रकार देखिए हमारा क्या बन गया, एक इम्प्लाई, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन में भी यही चीज पूछा है, आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में भी देखिए यही चीज पूछा था, 80% क्या डीए देना है, या चारे 10% था। ठीक, उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस 10% था, पीएफ 10% था, ठीक, पीएफ 5% सॉरी। ठीक है, इसी प्रकार हमारा क्या हुआ, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, और अच्छे से आप लोग प्रैक्टिकल करिए, आशा करते हैं कि हम आप लोगों को अच्छे से सिखा रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी और भी क्वेश्चन पूछना होगा, तो आप कमेंट के द्वारा क्या करिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा।